जगत गुरु अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती शंकराचार्य आज अपने राजस्थान के प्रवास पर आए, तो यहाँ राजस्थान के 50 जिलों में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक जन जागृति यात्रा निकालेंगे। उनका कहना है कि हमें उम्मीद थी कि दोनों ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में गाय को विशेष दर्जा देगी, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से गायों की मांस व कटाई की जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने दिल्ली तक यात्रा निकाली थी लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन को बचाना है तो सोच समझकर आम चुनाव में वोट दे। साथ ही कहा कि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है वो हमारी मुहिम का ही असर है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, वैसे ही 33 करोड़ स्वयं सेवक बना रहे हैं। उसका कारण है कि कम से कम 33 करोड़ गाय सेवक हो। उन्होंने कहा कि आज हमने 73 ऐसी पार्टियां तैयार की है जो सिर्फ सनातन धर्म पर काम करेंगे और जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की जो हमने मुहिम की है उसको आगे ले जाएंगे। आज गौ रक्षा को लेकर एक मुहिम जो पिछले कई सालों से चली आ रही है, महाराज जी आज हमारे साथ हैं। महाराज जी, गौ रक्षा को लेकर, गौ को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए जो आपने मुहिम चला रखी है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए और आम जनता को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों के द्वारा आचरण में ये बताया गया है कि गाय जो है वो मारी नहीं जा सकती, वो हमारी माता है, वो पशु नहीं है। और जो गाय मारता है वो उसको महापाप लगता है, और जो गाय को मारने वालों का समर्थन करता है वो भी उस पाप का भागीदार बनता है। और हमारे यहाँ पाप के बारे में बताया गया है कि उसको नरक में जा करके लंबे समय तक उसका फल भोगना पड़ता है, बड़ा दुख, बड़ा दर्द है। तो हम चाहते हैं कि ये जो भारत देश है 75 साल से आज़ाद हो गया, 75 साल से हमारी अपने वोट से बनाई गई सरकारें हैं, लेकिन हम हिंदुओं का वोट लेकर के हमारी ही माता को ये मार रही हैं। और ये 75 साल से हो गया, हर पार्टी आश्वासन देती है कि हम गौहत्या बंद कर देते हैं, लेकिन 75 साल से कर कोई नहीं रही है। दक्षिणपंथी भी आ गए, वामपंथी भी आ गए, मध्यमार्गी भी आ गए, अब कोई पार्टी बची नहीं है, कोई विचारधारा बची नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि हम तो उसी को वोट देंगे जो गौहत्या बंद करेगा और गौ माता को प्रतिष्ठा प्रदान करेगा, नहीं तो हम देंगे नहीं, पक्का। सवाल ये, जिस प्रकार से आपने कहा था कि लोगों को सीधी बात समझ में आती है, घुमा फिरा के नहीं आती, उसी सीधी बात के चलते आपसे निवेदन है, जो भी 76 पार्टियां आपने लिस्टेड करी हैं उनमें से कुछ एकाध का अगर आप नाम बता पाए जनता को। देखिए, 76 पार्टियों ने हमको शपथ पत्र लिख करके दिया है कि अगर हम सत्ता में आए भगवान की दया से, आप मतदाताओं के समर्थन से, तो हम पहला काम ये करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या को बंद करने का कानून, और गौ हत्या करने वाले को कड़ा दंड देने का प्रावधान बनाए। तो वो पार्टियां हैं, 76 पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी का दो चार का नाम हमको याद है, सबका तो याद भी नहीं है, लेकिन किसी पार्टी का क्यों नाम बोले, उसकी पूरी सूची है, जो चाहेगा हम दे देंगे। लेकिन वो 76 पार्टियां हैं और समझते हैं कि भविष्य की वही सरकारें बने, उन्हीं पार्टियों के द्वारा भविष्य में भारत में सरकार बने।